आगे बढ़ते हैं देश के सबसे आपको बता दें कि सनसनी दिल्ली के स्कूल में ही नहीं बल्कि यूपी में माफिया के दिल में भी मची हुई है। देश के सबसे बड़े माफिया डॉन में से एक अतीक अहमद आजकल खौफ में है, जिसका नाम सुनकर लोग डरते थे, आज वो खुद डरा हुआ है। एक्सप्रेसवे पर तेजी से दौड़ रहे पुलिस वैन पर सवार अतीक के दिल की धड़कन तेज हो गई है। अतीक के टेंशन की वजह है कि उसके कुनबे के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन। कैसे एक मर्डर ने अतीक की सारी माफियागिरी मिट्टी में मिला दी, इस रिपोर्ट से समझिए। माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। छह साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। माफियागिरी का दिए अतीक का खेल खत्म। छह साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए हम। अतीक पर शिकंजा, अब निशाने पर फैमिली ब्रिगेड। मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं, मट्टी में तो मिल गए हैं। तो आपको डर है क्या? पत्नी बहन आरोपी, यूपी की मोस्ट वांटेड फैमिली। अतीक अहमद की 44 साल की क्राइम हिस्ट्री की हर कॉपी चेक की जा रही है, उसके अपराधों का हर पन्ना पुलिस खंगाल रही है। कभी यूपी में दहशत का दूसरा नाम बन चुके अतीक की हेकड़ी निकल चुकी है। माफिया को एनकाउंटर का डर सता रहा है और यूपी में आने से अतीक अहमद कांप रहा है। अतीक के गुनाहों की लिस्ट लंबी है, जिसे बढ़ाने में अतीक का पूरा परिवार शामिल है। तुमने साजिश रची थी अतीक, तुमने जेल से बैठ के साजिश रची थी। जेल से कोई साजिश नहीं हो पाई। तो अतीक तुम्हारी पत्नी कहाँ है? पत्नी कहाँ फरार है तुम्हारी? अरे यार मैं जेल में हूँ, कहाँ बताऊँ पत्नी कहाँ है। मर्डर के बाद फोन किया था शाइस्ता ने तुम्हें जेल में? अतीक फोन किया था तुम्हें जेल में? अतीक की पत्नी, बहन, बेटा, भाभी और ऐसे रिश्तेदारों की लंबी फौज माफिया अतीक के हर गुनाहों में भागीदार रही है। पहले अतीक की फैमिली की महिला ब्रिगेड की लिस्ट बताते हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, जो फिलहाल फरार है और 50,000 की इनामी है। अतीक की बहन आयशा नूरी, जिस पर शूटरों को पनाह देने का आरोप है। अतीक की दो भांजियां, जो की आयशा नूरी की बेटियां हैं। अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, जो उमेश पाल शूटआउट की साजिश में शामिल होने की आरोपी है। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के उसी पुराने कार्यालय में रेड्स की है, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड से पहले अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, साथ ही शूटर गुड्डू मुस्लिम और अतीक अहमद का बेटा असद ने बाकायदा प्लानिंग की थी शूटर्स के साथ मिलकर कि किस तरीके से उमेश पाल की हत्या करनी है। ना केवल हत्या करनी है बल्कि किस तरीके से शाइस्ता परवीन, असद और गुड्डू मुस्लिम को हत्याकांड के बाद फरार होना है। ये पूरी प्लानिंग बाकायदा इसी दफ्तर के फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के मैप बना के एक रूट बनाया गया था, जिसके बाद इस फरारी को प्लान किया गया था। ये जानकारी मिली पुलिस को दो दिन पहले कि प्रयागराज के इसी दफ्तर में शाइस्ता परवीन और असद की फरारी से जुड़े हुए कुछ कागजात को यहां से ठिकाने लगाने के लिए अतीक अहमद के कुछ गुर्गे इस दफ्तर में रात में पहुंचे थे, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस की टीम जो है वो यहां पर पहुंचती है और इस दफ्तर के अंदर रेड्स करती है। हम आपको बता दें कि इसी दफ्तर में से पुलिस ने अतीक अहमद के दो गुर्गों की निशानदेही पर कुछ दिनों पहले 75 लाख रुपए और साथ ही 10 पिस्टल बरामद की थी, और अब इस दफ्तर के अंदर से ऐसे कागजात पुलिस को मिले हैं जिसमें शाइस्ता परवीन और साथ ही असद जो है उसकी फरारी के सबूत हैं। पुलिस ने यहां पर रेड्स करके शाइस्ता परवीन और असद की फरारी से जुड़े कुछ कागजात यहां से रिकवर किए हैं। ये वो महिला ब्रिगेड है जो अलग अलग तरीके से अतीक के गुनहगारों में भागीदार है और अब यूपी पुलिस के रडार पर है। यही वजह है कि जब माफिया अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा था तो परिवार को बचाने के लिए मिट्टी में मिलने की बात करता नजर आया। विरोधियों की साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास्त दिया जा रहा है, कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया,
वहाँ जैमर लगे हुए हैं, कोई साजिश नहीं बची। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं, मट्टी में तो मिल गए। तो आपको डर है क्या? महिला ब्रिगेड ने अतीक का हर जुर्म में साथ दिया, तो भाई बेटे और कई रिश्तेदारों ने अतीक के हर क्राइम में साथ निभाया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अतीक के जुर्म में सबसे बड़ा मददगार अगर कोई है तो उसका छोटा भाई अशरफ, तो वहीं बेटा असद जिस पर उमेश पाल शूटआउट की पूरी स्क्रिप्ट को अंजाम तक पहुंचाने का आरोप है। अतीक का दूसरा बेटा अली अहमद जिस पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का आरोप है। अतीक के बहनोई अखलाक अहमद जिस पर शूटरों को पनाह देने का आरोप है। पुलिस को यह जानकारी यहां पर मिली थी कि यहां पर कुछ कागजात ऐसे रखे हुए हैं जिनको जो असद के गुर्गे हैं वो यहां से हटाना चाहते हैं, ताकि शाइस्ता परवीन और साथ ही असद की जो फरारी का प्लान था वो कहीं पुलिस को ना पता लग जाए। ये जो अलमारी है, फर्स्ट फ्लोर की अलमारी है, यहां से तमाम तरीके के कागजात जो हैं अतीक अहमद और असद के गुर्गों ने इनमें से छुपाने की कोशिश की, यहां से वो ले जाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन पुलिस को, क्योंकि पुलिस इस दफ्तर में लगातार जो है वो निगाहें बनाए हुए है, क्योंकि इसी दफ्तर के इस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बैठकर एक हफ्ते पहले, उमेश पाल की हत्या से एक हफ्ते पहले प्लानिंग की थी शाइस्ता परवीन, असद और गुड्डू मुस्लिम ने कि किस तरीके से हत्या को अंजाम देना है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि हत्याकांड के साथ ही हत्या करने के बाद कैसे फरार होना है, फरार होने की बाकायदा मैप बनाकर इन लोगों ने एक रूट प्लान किया था, और ये आपस में डिस्कस किया था कि जैसे ही उमेश पाल की हत्या हो जाएगी उसके बाद कौन कौन सा रूट क्रॉस करते हुए इन्हें गायब होना है, कहां इन्हें छिपना है, इनकी कौन लोग मदद करेंगे। और साथ ही सूत्र बताते हैं कि शाइस्ता परवीन ने आदेश दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, असद, गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन ये मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चाहे पैसे की बात हो या फिर इनके छिपने की व्यवस्था, सब कुछ पहले से तय थी, और यही वजह है कि इन्हें ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। यूपी पुलिस अतीक के काले साम्राज्य का कोना कोना खंगाल रही है, अतीक के एक एक गुनाहों की लिस्ट जमा कर रही है। ईडी ने एक साथ 13 लोकेशन पर छापेमारी की है और अतीक की बेनामी संपत्तियों की छानबीन चल रही है। आज ही के दिन ईडी ने पूरे उत्तर प्रदेश की 13 लोकेशंस पर, जो कि अतीक अहमद और उसके फाइनेंसर्स, उसके मददगार, उसके वकीलों से संबंधित है, वहां पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने रेड की है। और आप इस समय देख सकते हैं कि जो घर है पूरा ये इलाका है, और खान सौलत हनीफ जो कि उमेश पाल किडनैपिंग केस में उम्र कैद की सजा पा चुका है, दोषी करार दिया जा चुका है, वहां पर फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की रेड चल रही है। और जो केंद्रीय फोर्सेज हैं, सेंट्रल फोर्सेज हैं, वो फिलहाल यहां पर सुरक्षा के लिहाज से बाहर तैनात की गई हैं, ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति है वो ना खराब होने पाए। अगर प्रयागराज की ही बात कर लिया जाए तो 3 से 4 ऐसी लोकेशन है जहां पर प्रयागराज में इस समय रेड की जा रही है। ईडी के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि गलत तरीके से काले धन से जो पैसा कमाया गया है उससे अतीक अहमद ने अपना काला साम्राज्य खड़ा किया था, और इसी साम्राज्य के बलबूते वो पूरी तरीके से न सिर्फ मनमानी करता था बल्कि इन्हीं पैसों के जरिए वो अपनी सल्तनत को आगे बढ़ाने में चीजें को आगे बढ़ाता था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईडी एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश में रेड कर रही है, 13 लोकेशन पर रेड कर रही है, बेनामी संपत्तियों के बारे में भी जानकारी मिली है जहां अतीक ने अपने फाइनेंसर, अपने लोगों, अपने वकीलों और अपने गुर्गों के नाम काफी सारी प्रॉपर्टीज कर रखी थी। इन सारी प्रॉपर्टीज को चिन्हित करने के बाद ईडी ने आज एक साथ कार्रवाई शुरू की है। वही प्रयागराज से आ रहा माफिया अतीक अहमद डरा हुआ है, उसे एनकाउंटर का डर सता रहा है। क्या कह रहा है अतीक आपका? अतीक क्या कह रहा है आपका? कुछ बोलना नहीं चाहते। आपका शुक्रिया। शुक्रिया कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं? कानून से आपको डर लग रहा है? अतीक अहमद, कानून से डर लग रहा है आपका? अतीक, आप लोगों की वजह से हिफाजत है। ये आप लोग क्या हो जाते हैं? वरना क्या हो जाता आपके साथ? वरना आपके साथ क्या हो जाता? किस बात का डर लग रहा है आपको? आप डरे हुए कर रहे थे, आज डर लग रहा है। अतीक का पूरा परिवार वांटेड है। उमेश पाल के केस की जांच में हर मेंबर की अलग अलग भूमिका का खुलासा हो रहा है, और अब उमेश पाल की फैमिली सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। कहां मट्टी में मिला पाए, वो अभी धुरंधर की तरह खड़ा है, उसका भाई खड़ा है, उसके गुंडे माफिया खड़े हैं, अभी वो कहां मिला है?
वो तो कह रहा कि हमको मिट्टी में लगा है। अरे उसको कहने से रहने दीजिए, वो तो कहता मैं जेल में थे, मैं तो जेल में था जब उमेश का मर्डर हुआ है। आप लोग लेकिन वो देखिए वो तो बोल रहा है कि मैं जेल में था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।